झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसके गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।